काफी ट्रेडर एफएंडओ में हेजिंग के साथ काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी हेजिंग पर। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हम दो अलग अलग मेथड को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने आने चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं हम आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब दो अलग अलग मेथड क्या होती है अगर हम हेजिंग के साथ काम करते हैं। पहली मेथड होती है कि भाई यहाँ पर मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट करा और मैंने सोच रखा है इस कॉम्बिनेशन को टिल एंड यानी एक्सपायरी डेट तक मैं रखूँगा और एक्सपायरी डेट के दिन जो भी लॉस प्रॉफिट होगा उसे मैं बुक करूँगा। ये एक पहला मेथड होता है। और दूसरा मेथड होता है मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट करा और मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं उस कॉम्बिनेशन में एडजस्टमेंट करता चलूँगा। ये दूसरा मेथड होता है। अब अगर इन दोनों मेथड को हम आपस में मिक्स करके काम करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। अब एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। मान लो मैं बुल कॉल स्प्रेड हेज पे वर्क करना चाहता हूँ। बुल कॉल स्प्रेड यानी हम नियर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को राइट करते हैं। अब मान लो बैंक निफ्टी 32,000 के लेवल पर चल रही है, 32,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट मैंने देखा 100 रुपये का चल रहा है। उस कॉल ऑप्शन को मैंने 100 रुपये पर खरीद लिया और 32,200 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट मान लो 60 रुपये का चल रहा है, उसे 60 रुपये पर शॉर्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तो बना लिया मैंने, मुझे मालूम है इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिवार्ड मेरा एक 60 पॉइंट का है और मैक्सिमम रिस्क मेरी जो है वो एक 40 पॉइंट की है। इस कॉम्बिनेशन को बनाया और मैंने सोचा टिल एंड एक्सपायरी डेट तक इस कॉम्बिनेशन में मैं वेट करूँगा, टिल एंड जो भी एक्सपायरी डेट पर मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। यानी यहाँ पर मैं मेथड वन को फॉलो करके काम करूँगा। मान लो किसी दिन मुझे बैंक निफ्टी में मेरे कॉम्बिनेशन में 20-25 पॉइंट मिलते हुए दिखे तो मैंने कहा ठीक है भाई जो प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक कर लेते हैं और बाहर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर मैं मेथड वन को फॉलो कर रहा था लेकिन मैंने मेथड टू को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, मेरे प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लिया तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर दी। और यहाँ मान लो वो अपोजिट डायरेक्शन में बैंक निफ्टी चले जाती, उस कॉम्बिनेशन में मुझे 20 पॉइंट का लॉस लगने लगता, तब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई अब तो मैं एक्सपायरी डेट तक वेट करूँगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगी परसों बढ़ेगी, यानी मैं लॉस में यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। यानी यहाँ पर मेथड वन को मैंने पूरी तरीके से फॉलो नहीं करा, यहाँ मैं मैक्सिमम प्रॉफिट तक नहीं रुका लेकिन लॉस में मैक्सिमम लॉस तक का मैंने वेट करा। अब अगर मान लो मैं मेथड टू पे वर्क कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड करा कि भाई ठीक है मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं मेरी पोजिशन को एडजस्ट करता चलूँगा, मॉर्निंग में मैंने बुल कॉल स्प्रेड की पोजिशन बनाई लेकिन शाम तक बैंक निफ्टी नीचे चली गई, मुझे कुछ लॉस दिखने लगा मेरे कॉम्बिनेशन में, मुझे मालूम है मेरा मैक्सिमम लॉस एक 40 पॉइंट का है, शाम तक मुझे 15 पॉइंट का लॉस दिखने लगा तो मैंने कहा ठीक है इस पोजीशन में से मैं बाहर निकल जाता हूँ। और उस पोजीशन में से मैं बाहर निकल गया, उसकी जगह मैंने बियर पुट स्प्रेड पोजीशन क्रिएट कर ली क्योंकि मुझे लगा बैंक निफ्टी गिरते हुए बंद हो रही है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड की पोजीशन को लेके जाना कोई समझदारी नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बियर पुट स्प्रेड पोजीशन क्रिएट कर ली बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पर अगले दिन मार्केट नीचे जाने की जगह बैंक निफ्टी ऊपर चली गई तो यहाँ हो सकता है मुझे सोचने में आए जबरन मैंने एडजस्टमेंट करा, इससे तो उस पोजीशन को पड़े रहने देता और अगले दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर चली गई, अब यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट नहीं करा, अब उस पोजीशन को छोड़ दिया, देखेंगे एक आज नहीं तो कल ये नीचे आ जाएगी। यानी अब सेकंड मेथड में मैंने फर्स्ट मेथड को इन्वॉल्व कर लिया तो यहाँ पर हम प्री डिसाइडेड करके अगर पहले से चलते हैं कि मेथड वन को फॉलो करेंगे या मेथड टू को फॉलो करेंगे तभी यहाँ पर रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं, ना कि दो अलग अलग मेथड को आपस में हम हमारे हिसाब से मिक्स करते चले।
अब यहाँ पर किस तरीके से हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि भाई किसी भी मेथड को अगर हम फॉलो करके काम करते हैं तो हमें हमारी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी या नहीं दिखेगी। अब यहाँ अगर मेथड वन की बात करूँ तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो जिस भी कॉम्बिनेशन पे हम काम कर रहे हैं मेथड वन में, उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है हमारे कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पर मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरे प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी कितने परसेंटेज में है। अब यहाँ पर मान लो मैंने देखा कि भाई जिस भी कॉम्बिनेशन में मैं वर्क कर रहा हूँ मेथड वन में, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा 1:2 है, और यहाँ पर मैंने चेक करके रखा हुआ है जो एक्यूरेसी है मेरी परसेंटेज में वो 50% के आसपास आती है, यानी मैं इजीली देखूंगा कि मुझे मेरी कैपिटल बढ़ते हुए दिखेगी क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 50% है और जिस कॉम्बिनेशन पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 है। अब अगर दूसरे मेथड की मैं बात करूं तो दूसरे मेथड में मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं, यानी वहां पर भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिसाइडेड है, लेकिन जो रिस्क है उसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, उसके कई टुकड़े कर देता हूं, तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रेड की मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मैं एडजस्टमेंट करता चल रहा हूं। मान लो एक 40 पॉइंट का किसी भी कॉम्बिनेशन में मेरा मैक्सिमम रिस्क है और यहाँ पर मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं देखता हूँ कि ठीक है, जब भी 10 पॉइंट का मुझे लॉस लगने लगेगा उस पोजीशन में से मैं एग्जिट हो जाऊँगा और मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से नई पोजीशन क्रिएट कर लूँगा। यानी वहाँ पर मैंने नंबर ऑफ ट्रेड की उतने ही जो एक लॉस है कई ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली। तो यहाँ पर उस तरीके से को भी हम फॉलो करके चेक कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके के रिजल्ट निकल के आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हेजिंग के साथ अच्छे रिजल्ट निकालना चाहते हैं, इस मार्केट से काफ़ी अच्छा कैपिटल अर्न करना चाहते हैं हेजिंग से, तो यहाँ पर कभी भी दो अलग अलग मेथड को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए अपनी सुविधा के हिसाब से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।